कि इस भावुक क्षण में वे विकास वैभव जी के लिए दो शब्द रखें। आदरणीय विकास जी, यहाँ उपस्थित पुलिस परिवार के विभिन्न पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं अन्य आमंत्रित अतिथिगण, तो करीब 9 महीने हम लोग साथ काम किया, तो ओवरऑल इस समय पे जो हम लोगों का अनुभव रहा, तो उसमें मुख्य रूप में हम ये बताना चाहेंगे, जैसे हम लोग योगदान करते ही हम लोगों के सामने पंचायत चुनाव था, तो उस समय से करीब वो 45 दिन तो लगभग दिन रात हम लोग साथी थे, और जिस तरह से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के बीच में जो समन्वय था, और लगभग हर लेवल पे सिपाही लेवल से लेके DMSP लेवल तक, मतलब मिलजुल के काम करने का और दिन रात साथ में बैठ के काम करने का और फील्ड में निकलने का, तो उस समय मतलब वो हम लोगों को मतलब पंचायत चुनाव जितना बारी काम है बट उतना बारी नहीं लगा, तो जो काम कर रहे थे तो मिल के काम कर रहे थे, एक टीम की भावना थी, तो उसी का परिणाम हुआ कि मतलब बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हुआ, शांतिपूर्ण चुनाव हुआ जिसमें सभी लोगों का योगदान रहा, और विकास वैभव जी का जो लीडरशिप था, कोऑर्डिनेशन का जो बात थी, तो वो एक मुख्य कारण रहा जिससे मतलब नीचे तक वो मैसेज गया और उसके आधार पर काम हुआ। और उस पंचायत चुनाव में भी हम लोग लगता है दोबारा हम लोग तिलकेश्वर OP तक पहुँचे, या अगले चरण में हम लोग जमालपुर थाना तक पहुँचे, या इधर मोरो तक पहुँचे, तो जहाँ भी दुर्गम क्षेत्र है या काम के प्रति हम लोगों का या विकास जी का जो समर्पण था वो मतलब बिल्कुल सराहनीय है, और उनके द्वारा जो कार्य संस्कृति बनाया गया तो उसको बनाए रखने की ज़रूरत है सब लोगों को मिल के, और खास करके इसमें जो अपने जो विभाग के कर्मचारी के प्रति भी इनका जो एटीट्यूड रहा, जिसमें मतलब चाहे स्वास्थ्य जांच का जो इनिशिएट कराया गया DMCH में, सभी लगभग सभी सिपाही का स्वास्थ्य जांच हुआ, और उसमें जहां समस्या थी उन लोगों को फॉलोअप ट्रीटमेंट कराया गया, इस तरह का छोटे छोटे बातें, चाहे पानी का बात हो या टॉयलेट की बात हो, तो ये सब छोटे छोटे बातों से मतलब ओवरऑल जो काम का माहौल बनता है, और जो बिल्कुल मतलब सराहनीय रहा, और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग जिस तरह से मतलब इनके साथ एक कार्य संस्कृति और कार्य का माहौल बनाया, तो वो आगे भी बनाए रखेंगे। हर पदाधिकारी का यही अपेक्षा और यही उम्मीद रहती है, हमारे समय पे जो रहता है तो वो काम उसी तरह से होते रहें, उसी से मतलब खुशी मिलती है, अब उससे कहीं गिरावट नहीं आना चाहिए, तो ये पूरी विश्वास है हमें, आप सभी लोग मिलकर उसको बरकरार रखेंगे और उसको कोशिश करेंगे और ऊँचाई पर ले जाने का। और जो वर्तमान किया इस तरह का पुलिस लाइन में आयोजन हुआ है, आप ज़रूर आएंगे, तो बट कभी कभी काम का इस तरह का स्थिति बन जाती है, खुद नहीं रह पाते हैं, तो उनको अभी मापी जाना पड़ा, वहाँ कुछ विधि व्यवस्था का समस्या हुआ, और अदरवाइज़ विकास जी के साथ जो पर्सनल मेरा संबंध रहा वो भी मतलब बिल्कुल, ये जो टाइम पीरियड बीता है ये यादगार रहा है और यादगार रहेगा, और अभी तक मेरा 6 साल का अभी समय हुआ है सर्विस में आते हुए, तो कई सारे मतलब पुलिस अधीक्षक के साथ काम करने का मौका मिला, तो अभी तक जितने के साथ काम किए हैं तो उसमें हमारे हिसाब से मतलब जो सबसे अच्छा पुलिस अधीक्षक जिनके साथ काम करने का मौका मिला वो विकास जी हैं, और हमारे तरफ से इनको शुभकामनाएं हैं, ये जहाँ पे जा रहे हैं NIA हैं, ये बिल्कुल भारत सरकार का नया जो इंस्टीट्यूशन है, प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें बिहार से जो पहला पदाधिकारी जा रहे हैं तो उस हिसाब से भी मतलब ये गौरव की बात है, तो इनको वहाँ पे काम करने का मौका मिला, और जिस तरह से इनका जो पर्सनल ट्रेट्स हैं या कैरेक्टर हैं या काम करने का तरीका है, तो हमें पूरा विश्वास है वो वहाँ भी मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट करेंगे, और इनका अपना पर्सनल नाम तो बनेगा ही, और उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ये एक एसेट के रूप में रहेंगे, और हमारी ओर से इनके पारिवारिक और प्रोफेशनल लाइफ के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद। शुभकामना।